हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज है पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। आप देख सकते हो इसका लुक, इसका साइज आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब पोर्टेबल साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये इसका ड्रेन है, इसके वाटर को ड्रेन करने के लिए ये दे रखा है। और ये है इसका नॉब, इसे देखो। और ये है इसका नॉब, इसमें आपको 10 मिनट्स का टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको इसमें ड्रायल का फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन है, इसमें ज्यादा सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। और आप इसका साइज देख सकते हो, साइज में काफी ज्यादा कंफर्ट है। ये बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो। आप इसके वॉशिंग मोटर का साइज देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा साइज है, मतलब बर्बाद नहीं बोल सकते, नॉर्मल वॉशिंग मशीन जैसा ही साइज है। इसमें आप वॉश कर सकते हो, काफी ज्यादा कमाल का वॉशिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा। हालांकि मैंने इसमें वॉशिंग किया था, इससे पहले मैंने एक रिव्यू बनाया था, लेकिन वो कुछ खास परफेक्ट नहीं बना, जिस वजह से मैंने एक और वीडियो बनाया, एक और रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। सो आप देख सकते हो, मैं इसका आपको वॉशिंग दिखा दूंगा कि इसका वॉशिंग पावर कितना है। और अभी मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ कि अगर ये बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप इसका साइज देख सकते हो, क्या था और क्या हो गया। और यहाँ पे बीच में आपको रबड़ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। और साथ ही में आपको यहाँ पे हैंडल भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप इसे लेके भी घूम सकते हो। बाहुबली सही लग रहा है देख के, किसी भी एंगल से ये वॉशिंग मशीन नहीं लग रहा, नॉर्मल पार्ट लग रहा है। और इसका वेट अप्रोक्स 5 kg के अप्रोक्स होगा। और इसका ढक्कन भी आप देख सकते हो, ये है इसका ढक्कन। और इसके ढक्कन का भी क्वालिटी काफी अच्छा है, चीप सा नहीं बोल सकते, आप देख सकते हो। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि पीवीसी प्लास्टिक बोलते हैं, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता, मुड़ जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। और देख सकते हो आप ढक्कन के साथ इसका लुक। तो फ्रेंड्स, आप पीछे के साइड भी देख सकते हो, पूरा नट बोल्ट से इसे टाइट कर रखा है। अगर इन फ्यूचर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इसे खोल के रिपेयर कर सकते हो। वैसे आपको इसमें कॉपर मोटर देखने को मिल रहा है, जो कि इजीली डैमेज नहीं होगा, इजीली खराब नहीं होगा, बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग है इसका। और इसका पावर कंजप्शन है 320 वॉट, और 2 kg के क्लोथ्स को इजीली वॉश कर सकता है। अगर आप 1 kg के कम के क्लोथ इसमें डालोगे तो ये वाइब्रेट करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़े हैवी क्लोथ इसके अंदर डालने, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है और पोर्टेबल है, इसीलिए अगर आप कम कपड़े डालोगे तो ये वाइब्रेट करेगा। और फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 4,500 to 6,000 rupees, डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि वो कितने प्राइस में सेल कर रहा है, ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं है इसका। और इसका वेट भी ज्यादा नहीं है, अप्रोक्स 5 kg होगा इसका वेट अकॉर्डिंग टू मी। और अभी मैं आपको इसमें वॉश करके दिखाता हूँ कि कैसा है ये वॉश करने में, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये है इसका क्लोज लुक, और अभी मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ। अभी इसमें वॉश करके देखते हैं, ये है मेरे कपड़े कुछ, और मैंने इसको डुबो दिया इसमें, अभी वॉश करके देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि कपड़े सही में धुल रहे हैं, आपने देखा कि कोई भी सर्फ का यूज नहीं किया मैं, फिर भी गंदगी निकाल रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है ये। और मैंने कपड़े कम दिए इसलिए आपको थोड़ा वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है ये मशीन। अगर आप ज्यादा हैवी कपड़े दोगे, मतलब 1 या 2 पर्सन के लिए या फिर न्यूली मैरिड कपल के लिए, काफी ज्यादा बेहतरीन मशीन है ये, आप इसे बिंदास खरीद सकते हो। आप देख ही सकते हो मैंने इसको सही में वॉश किया, और बहुत ही ज्यादा मस्त मशीन है, कुछ भी मतलब फ्रॉड नहीं है। इसका अंदर का जो मोटर है सही में बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। सो थैंक यू।